press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। मेरे तुला राशि वाले मित्र अपना जून 2018 का मासिक राशिफल जानने के लिए व्याकुल होंगे। तो चलिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ तुला राशि का जून 2018 का मासिक राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं। महीने का पूर्वार्ध अधिक सकारात्मक होने की संभावना रहेगी। पहले से सोचे समझे कार्यों में सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। सामाजिक गतिविधियों में अधिक भाग लेने से आपका सामाजिक स्तर बढ़ेगा। ये महीना अत्यंत सुखद जाने वाला है, जब राशि के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में रहेंगे। इस समय आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, आपके मन में उत्साह का संचार होगा और कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपके काम के घंटे अधिक हो जाएंगे एवं सुख साधनों में या सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। प्रथमार्थ में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे और राशि से सप्तमस्थ होने के कारण ग्रह कलह बढ़ेगी और आपके जीवन साथी को दूरस्थ यात्रा करनी पड़ेगी। उत्तरार्ध में तनाव में कमी आएगी, परंतु आपको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और यात्रा संबंधी कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। इस अवधि में जीवन साथी को रोजगार क्षेत्रों में मदद मिलेगी और यदि नौकरी करते हैं तो अच्छी स्थितियां बनेंगी और यदि व्यवसाय करते हैं तो आय बढ़ेगी। राशि पर से संचार करते हुए वक्री गुरु वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे तथा जिन लोगों से प्रेम संबंध चल रहे होंगे उनको शांत करने में और विघटन से बचाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। जो लोग व्यवसाय या दुकान चलाते हैं उन्हें कुछ लोगों को नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, परंतु वो अपनी वाणी के कौशल से कुछ बातों को ढकने में सफल हो जाएंगे। शनिदेव अब वक्री हैं और पिछले दिनों जीवन में आ गई विसंगतियों को वापस ले लेंगे। वे अब अधिक प्रभावशाली होने जा रहे हैं, जो आपकी आय या पद में वृद्धि करेंगे। निश्चित ही संतान के लिए शुभ दिन आने वाले हैं। कार्यों में कुछ हद तक अवरोध रह सकते हैं, लक्ष्यों से भटकाव की स्थिति भी आ सकती है। इस संबंध में आपको सतर्क रहना चाहिए, वाद विवाद से बचें, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। पारिवारिक दृष्टि से समय उतार चढ़ाव पूर्ण बन रहा है, वाहन आदि चलाते समय सावधानी रखने की जरूरत है। कार्यों में आकस्मिक रूप से अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु ये परिस्थितियाँ अस्थायी रहेंगी, कुछ समय बाद स्थितियाँ नियंत्रित हो जाएंगी। नौकरी पेशा वर्ग को ट्रांसफर आदि का सामना करना पड़ सकता है, वहीं अस्थायी कार्मिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। आप जो कहते हैं उसे करने की पूरी क्षमता रखते हैं, लेकिन इसमें एक खतरा यह भी है कि इसके कारण अपने सामर्थ्य के विषय में बहुत आत्मविश्वासी हो जाते हैं। यह अतिविश्वासी दृष्टिकोण लक्ष्य प्राप्ति के बजाय आपको बड़ी आर्थिक हानि में न डाल दे, इसका ध्यान रखें। कड़ी मेहनत और मिलते जुलते इनाम सुख और विलासिता भविष्य के लिए सुरक्षा देते हैं और यह सब आपको प्रेरणा देता है। आप अपने मिजाज को कुछ नर्म बनाएं, अन्यथा अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहें, डॉक्टरी राय की अनदेखी न करें। तो मित्रों, इन सब बातों का क्या सार निकलता है? तो मित्रों, हम आपको बताते हैं कि इन सब बातों का आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पे किस तरीके से जोर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे तुला राशि वाले मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह सकारात्मक रहेगा, मनोबल में वृद्धि होगी, निरोगी काया के स्वामी होने के कारण धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं आपके धन संपत्ति की। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा, संचित धन में वृद्धि होगी, नई योजनाओं के माध्यम से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। संपत्ति के क्रय विक्रय संबंधी मामलों की पूर्ण जांच पड़ताल करने के बाद अंतिम निर्णय लें। मित्रों, अब बात करते हैं आपके कार्य व्यवसाय की। कार्य क्षेत्र में योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से लाभ होगा, अपनी कार्यशैली को सकारात्मक दिशा प्रदान करें, नौकरी करने वाले लोगों की पदोन्नति होगी। मित्रों, अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने से परस्पर सुख सहयोग में कमी का आभास होगा, तालमेल बनाने का प्रयास करें। मित्रों, अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। पति पत्नी के मध्य एक दूसरे के प्रति सुख सहयोग बढ़ेगा, अहंकार भाव से बचें। मित्रों, अब आपको बताते हैं एक सुनहरा उपाय जिसे करने से आप
अपना धन मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। तो वो उपाय है, रविवार के दिन प्रातः काल सूर्य नमस्कार करें, तांबे के पात्र से खड़े होकर पूर्व की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ दें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला। अपने सभी प्रश्नों का जवाब मुफ्त में जानने के लिए आप संडे को हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सभी प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो देखते रहिए मोटू लाला, और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।